हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IIT एकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हम PGT TGT के लिए मैथमेटिक्स के पेपर को हम सोल्व करेंगे, और उसके अंदर पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फर्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो ऐसे आता है कि जैसे हमारे पास है साइन थीटा है, साइन माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके बाद में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा को हम कैसे लिखेंगे, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। स्टार्टिंग में त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर हमारे पास अगर ऐसे होता है कि अगर हमारे पास दे रखा है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा को आप कैसे लिखोगे, माइनस साइन थीटा। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आता है हमारा कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कोस थीटा। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो है वो है टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस टेन थीटा। फोर्थ नंबर पे जो है वो है कोट माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस कोट थीटा। फिफ्थ नंबर पे हमारा जो है वो है सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी सेक थीटा। एंड जो लास्ट वन है सिक्स, उसकी वैल्यू होती है कोसेक माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस कोसेक थीटा। ओके, तो हमारे पास क्या आता है कि कोस की जो वैल्यू होती है वो माइनस थीटा पे क्या होती है, कोस थीटा होती है, और सेक माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सेक थीटा होती है। बाकी उसके अलावा जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस की वैल्यू होती है। ओके, और ये देखो टेन माइनस थीटा को आपने किस प्रकार से कन्वर्ट किया है वो आपको पता है, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। जैसे कि टेन माइनस थीटा को हमने कैसे लिखा है कि साइन माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉस माइनस थीटा। यहाँ से क्या हुआ, देखो कॉस माइनस थीटा का क्या हुआ, कॉस थीटा लिखा गया, साइन माइनस थीटा का मैंने क्या बताया था आपको, साइन माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा का कोस थीटा, यहाँ से साइन बाई कोस टेन माइनस टेन थीटा। ओके, तो स्टूडेंट वैसे ही आप कोट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा का आप आसानी से लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास जितनी वैल्यू होती है साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है माइनस साइन 30 डिग्री, या फिर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और उसके बाद में जैसे कि टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यू देखो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, और लेक्चर सीरीज जो है वो हम स्टार्टिंग बेसिक से लेके चल रहे हैं, बेसिक को करने के बाद ही हम आगे इसको हायर लेवल तक इसको पहुंचाएंगे। तो टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन 45 डिग्री, और माइनस टेन 45 का वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, उसके अलावा जैसे थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लें तो कोस माइनस पाई बाई थ्री, कोस माइनस पाई बाई थ्री आपको पता है कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है, और माइनस लिखा हो इसका मतलब कोस पाई बाई थ्री होगा, और कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ओके, तो यहाँ से आप आसानी से कर पाओगे। जैसे कि अगर फोर्थ एग्जाम्पल हम लिखें, फोर्थ एग्जाम्पल सेक माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल टू, ये क्या होगा, सेक पाई बाई सिक्स बनेगा आपको पता है, और इसकी वैल्यू क्या कितनी होती है, 2/√3। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास ये तो था हमारे पास माइनस थीटा को रिप्लेस करना, और इसके बाद जो सेकेंड हमारे पास आता है वो आता है अगर हमारे पास 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो तो उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे। ओके, उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, तो अभी हमारे पास आता है कोण माइनस 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास जो सेकंड टॉपिक रहता है वो क्या लिखा जाएगा, सेकंड टॉपिक है कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात को थीटा
पदों में ज्ञात करना। ओके, थीटा के पदों में ज्ञात करना। साथ साथ हम नोट्स बना रहे हैं ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, थीटा के पदों में त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना। उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो देखो स्टूडेंट, अगर हमारे पास होता है साइन, जैसे कि हमारे पास तो फर्स्ट है, वही हम छह कोण लिखेंगे, सिक्स, जो कि साइन अगर हमारे पास होता है, सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कोस थीटा होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो है कोस 90 माइनस थीटा। ओके, ये होता है साइन थीटा। आपको पता है 90 माइनस थीटा करो या 90 प्लस थीटा करो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो स्टूडेंट, सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो हम लिख देते हैं, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू और इसको करेंगे। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। उसके बाद में फोर्थ जो नंबर पर है वो है कोट 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा। और फिफ्थ नंबर पे जो है हमारा, फिफ्थ नंबर पे है सेक 90 माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी कोसेक थीटा। और सिक्स नंबर पे जो है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेक थीटा। ओके स्टूडेंट, इसको करने के बाद हमारे सामने, जैसे कि अभी हम करना चाह रहे हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या फिर आपको इतना नहीं पता है साइन 60 की क्या होगी, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि 90 माइनस 30 इसको लिख सकते हैं। ओके, 90 माइनस 30 लिखने के बाद आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, या फिर साइन 90 माइनस 30 क्या होगा? कोस 30। तो हम इसको इस प्रकार से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3/2। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। और उसके अलावा मैं अभी कंटिन्यू आपको एक वो सारणी बता देता हूँ कि कौन सी वैल्यू का क्या मान होता है, ताकि हमें उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसको लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करने में। ओके, तो पहले हम एक टेबल पढ़ लेते हैं। टेबल मीन्स मतलब क्या है? 0 से 180 डिग्री के बीच साइन कोस की वैल्यू रेशियो और थीटा एंगल के बीच हम देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या क्या होने वाली है। तो ये क्या होगी? टेबल ऑफ ट्रायंगल रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, साथ साथ में हम नोट्स बना के चलते हैं ताकि भविष्य में आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो लिखते हैं, जो दिए गए कोण हैं मानक कोणों के लिए, मानक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय, मानक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान की सारणी। ओके, त्रिकोणमितीय फलनों के लिए मान की सारणी। देखो स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास ये देखो, मैंने एंगल बना लिया है। यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ से हम एंगल लिखेंगे और ये लिखेंगे रेशियो। ओके, तो यहाँ से लिखूँगा मैं साइन थीटा, उसके बाद होगा कोस थीटा, उसके बाद लिखेंगे टेन थीटा, उसके बाद लिखेंगे कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, फिर लिखेंगे कोसेक थीटा। इसको लिखने के बाद स्टार्टिंग में देखो, फर्स्ट लाइन का आपको पता है, आपको अगर याद नहीं है ये वैल्यू तो भी बिल्कुल इजी है इसको याद करना। 0 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 30 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 45 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 60 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री। ओके, उसके बाद में 150 डिग्री, उसके बाद में होगा 180 डिग्री। यहाँ तक आपको एंगल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर आप PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, NDA, नेवी, एयरफोर्स, तो उसके लिए भी आपको अच्छे से इसका पता होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो डिग्री की वैल्यू होती है 0,
30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, फिर होती है 1/√2, ओके, उसके बाद होती है √3/2, उसके बाद होती है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखो स्टूडेंट, आपको 0 से लेके 90 तक का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, फिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, फिर 1। यहाँ पता होने के बाद आपको यहाँ से रिवर्स ले लेना है। अब आप रिवर्स इसका अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो ये क्या होगा, 1 लिख दिया आपने, फिर लिखोगे आप √3/2, फिर आप लिखोगे 1/√2, फिर आप लिखोगे 1/2, फिर आप लिखोगे 0। ओके, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। साइन 0 से लेके 90 डिग्री तक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपने क्या लिखा है, 0 डिग्री, 1/2 डिग्री, 1/√2, √3/2, फिर 1। उसके बाद में यहाँ से √3/2, फिर इसका 1/√2, फिर इसका 1/2, फिर 0। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो कोस थीटा की वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले कोस 0 की वैल्यू यहाँ से देखो, हम रिवर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 का यहाँ लिखेंगे 1, उसके बाद में यहाँ लिखेंगे √3/2, फिर यहाँ लिखेंगे 1/√2, फिर यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर ये क्या होगा, 0 होगा। स्टूडेंट, साइन कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, फिर कोस 45 की वैल्यू 1/√2, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, और कोस 90 की वैल्यू 0। ओके, उसके बाद में अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो 120 डिग्री की वैल्यू माइनस में चली जाती है। ओके, तो यहाँ से हम रिवर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन रिवर्स कैसे करेंगे, माइनस में करेंगे। तो यहाँ से माइनस होगा, तो यहाँ से होगा माइनस 1/2। मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया था ये √3/2 कहाँ से लिखा है, ये यहाँ से रिवर्स हमने इसका कर दिया। ओके, और यहाँ से क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा लेकिन माइनस होगा, और यहाँ से होगा माइनस 1/√2, यहाँ से होगा √3/2 माइनस का और माइनस 1। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हमारी वैल्यू आती है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए आपको क्या करना होगा, टेन थीटा के लिए आपको करना होगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा करोगे आप, टेन थीटा वैल्यू आएगी। तो टेन थीटा के लिए 0/1 करेंगे अपन, तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 डिवाइड √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद में अगर 1/√2 से 1/√2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। उसके बाद में अगर √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ क्या होगा, √3 होगा। उसके बाद में 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, आएगा इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट, ये करने के बाद आपको पता है कि रिवर्स में करना है लेकिन माइनस चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ वैल्यू होगी माइनस √3, फिर होगा माइनस 1, फिर माइनस 1/√3। और स्टूडेंट आपको पता है 0 का जब हम रिवर्स करेंगे तो ये क्या होगा, 0 लिखा जाएगा यहाँ पर, माइनस प्लस का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो पूरी हमने लिख ली है टेन थीटा की वैल्यू। उसके बाद में हमारे पास आता है कोट थीटा। आपको पता है कि कोट किसका रिवर्स होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/ कोट थीटा, या कोट थीटा इक्वल टू 1/ टेन थीटा। तो आपको पता है जो टेन थीटा की वैल्यू होगी उसकी रिवर्स वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी, कोट थीटा की होगी। तो 0 का रिवर्स क्या होता है, 0 को 1/0 लिखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। जैसे अभी वैल्यू क्या है, 0 है ये, तो 1/0 करने पे क्या वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो ओके, ये हो गया। उसके बाद में अभी इसको क्या लिखना है, ये हमारा हो गया ये। उसके बाद में 1/√3 को कैसे लिखना है हमें, √3 मतलब 1/√3 था, इसको अगर मैं लिखूँगा जैसे, देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/√3 थी, तो टेन थीटा इक्वल टू ये था। तो मैंने भी आपको बताया अगर आपको कोट थीटा लिखना है तो 1/10 थीटा करना पड़ेगा। 1/10 थीटा करोगे मतलब 1/1/√3 करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, √3 आएगा। तो यहाँ हो गया √3। 1 का रिवर्स क्या, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। और √3 का अगर आप 1/√3 करोगे तो आपको पता है, ओके। और इन्फिनिटी का जैसे आपने 0 का इन्फिनिटी किया, वैसे इन्फिनिटी का 1/इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या होगा, 0 होगा। ये आपकी कोट थीटा की 0 से 90 तक की वैल्यू है। कोट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, कोट 30 डिग्री का वैल्यू √3, कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, फिर क्या होगा, 0 होगा।
उसके बाद में यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट करना होता है, माइनस वन बाई रूट थ्री, उसके बाद में माइनस वन, उसके बाद माइनस रूट थ्री, उसके बाद में माइनस इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद में सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू वही बात आपको अभी मैंने बताई थी, कोस का जो उल्टा होगा वन बाई करना है, कोस का जो भी होगा उसको वन बाई करेंगे, तो ये किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कैसे, जैसे कि कोस जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी थी, वन, वन बाई वन करेंगे तो क्या होगा, वन होगा। कोस तीस डिग्री की वैल्यू रूट तीन बटे दो, सेक के लिए क्या करूँगा, दो बटे रूट तीन हो जाएगा, मतलब मेरे को उसका उल्टा करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, टू वाई रूट थ्री होगा, यहाँ से क्या होगा रूट टू होगा, यहाँ से क्या होगा टू होगा, और यहाँ से क्या होगा इन्फिनिटी। और यहाँ से मैंने आपको बता रखा था कि माइनस करना है, फिर माइनस रूट टू होगा, फिर माइनस टू वाई रूट थ्री होगा, उसके बाद में स्टूडेंट हमारा होगा माइनस वन। ये हुई हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू, और उसको कंटिन्यू करने के बाद हमारे लास्ट में बचता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को आप कैसे करोगे, कोसेक थीटा मतलब साइन का उल्टा, वन बाई जीरो करोगे आप इन्फिनिटी आएगा, वन बाई टू का आपने वन अपॉन वन बाई टू किया तो यहाँ क्या आएगा टू आएगा, यहाँ क्या आएगा रूट टू होगा, यहाँ से उल्टा करोगे टू बाई रूट थ्री होगा, और इसका क्या होगा वन होगा, यहाँ से क्या होगा टू बाई रूट थ्री होगा, और यहाँ से क्या होगा रूट टू होगा, फिर टू होगा, और यहाँ से क्या होगा इन्फिनिटी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको साइन की वैल्यू जीरो से लेके 180 डिग्री तक कंप्लीट समझ में आई होगी। और स्टूडेंट हमने अभी कर लिया था कि साइन माइनस थीटा का क्या वैल्यू होती है, कोस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, उसके बाद हमने साइन 90 माइनस थीटा हमने कर लिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट की, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होती है वो कैसे लिखी जाएगी, हम इसके ऊपर अभी चर्चा करने वाले हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सबसे पहले तो मैं टॉपिक डाल देता हूँ कि हम अब कर क्या रहे हैं। ओके, कंप्लीट नोट्स हम बना रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के पदों में ज्ञात करना। ओके, हम कर क्या रहे हैं, कोण 90 प्लस थीटा डिग्री के त्रिकोणमितीय जो भी अनुपात है हमारे, उसको थीटा के रूप में हम निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास अगर साइन 90 प्लस थीटा हो तो क्या वैल्यू आएगी, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्स फर्स्ट रहेगा वो क्या है, फर्स्ट है वो है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा होगा। उसके बाद वैसे ही हमें करना है, सेकंड जो नंबर है वो है कोस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 90 प्लस थीटा को कन्वर्ट हम जब भी करते हैं तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो साइन का कोस बन जाता है, कोस का साइन बन जाता है, और टेन का कोट बन जाता है। लेकिन डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी है, साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा लगाने के बाद पॉजिटिव रहती है, और कोस की वैल्यू 90 प्लस थीटा लगाने के बाद माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में जो थर्ड नंबर आता है वो क्या है कि टेन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है। और फोर्थ नंबर पर जो है वो है कोट 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। फिफ्थ नंबर पे जो है वो है सेक 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। जो सिक्स नंबर पे है वो है कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा होगा। ओके, ये हमें अच्छे तरीके से पता है जो हमने कर लिया है अभी। ओके, कोसेक थीटा का मैंने आपको बताया था, जैसे साइन और कोसेक जो है
यहाँ पर सारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होने वाले हैं। और जैसे कि स्टूडेंट इसका अगर हम एग्जांपल करना चाहें तो एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल रहेगा वो क्या रहेगा, 90 प्लस थीटा की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको वैल्यू पूछ ली जाए साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा, साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यहाँ से साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस 45 डिग्री में। और आपको अभी बताया था कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ओके, और अभी हमारे पास क्वेश्चन जैसे आ जाए, सेकंड क्वेश्चन बात करूँ मैं, कोट 150 डिग्री। कोट 150 डिग्री का मतलब क्या है कि कोट 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहाँ से क्या होगा माइनस 10, क्योंकि आपको पता है कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है। 90 प्लस थीटा क्या होगा, 10 60 डिग्री होगा, और 10 60 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, क्योंकि अभी हमने किया था। ओके, उसके बाद में स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, और हमारे पास जो थर्ड आती है वो है 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। ओके, अभी हमारे पास जो कंटिन्यू इसके बाद में जो लेक्चर रहेगा थर्ड रहेगा 180 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के पदों में ज्ञात करना। ओके, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं 180 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है। ओके, तो इसके अंदर जो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। क्योंकि देखो स्टूडेंट ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट ही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अभी हमने क्या किया है, सेकंड क्वाड्रेंट में अभी हमने किया है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा डिग्री, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट था। ये 180 माइनस थीटा वो भी क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेम वैल्यू रहने वाली है, इसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो आप साइन 90 प्लस थीटा लिखो, चाहे देखो स्टूडेंट ये क्या हुआ, सेकंड 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, और साइन 90 प्लस थीटा ये भी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसकी वैल्यू भी क्या आने वाली है, कोस थीटा आने वाली है। ओके, और यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसकी वैल्यू भी क्या आने वाली है, साइन थीटा आएगी। ओके, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कौन सा क्वाड्रेंट हम चल रहे हैं, और 180 डिग्री पे कभी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 90 पे साइन का कोस बन जाता है, कोस का साइन, और कोट का 10, 10 का कोट बन जाता है, उसी प्रकार से 180 डिग्री पर कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। साइन की साइन रहेगी, कोस की कोस रहेगी, 10 की 10 रहेगी, लेकिन आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसके बाद में क्या होता है, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कोस थीटा। हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो है टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, माइनस टेन थीटा होगा। फोर्थ नंबर पे जो है हमारा है वो कोट 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोट ऑफ थीटा होगा। फिफ्थ नंबर पे जो है वो क्या होगा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा वो क्या होगा, माइनस सेक थीटा होगा। और सिक्स नंबर पे जो आता है वो है हमारा कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, कोसेक थीटा। इन बातों का हमें ज़रूर से ध्यान रखना होता है, और इन बातों का ध्यान रखने के बाद देखो स्टूडेंट उसके बाद में अभी हम कंटिन्यू यहाँ कर लेते हैं 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है। ओके, यहीं इसके सामने हम लिख लेते हैं
तो यहाँ लिखता हूँ मैं कि अगर हमारे पास होगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी जो वैल्यू होगी साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? माइनस ऑफ साइन थीटा होगा। ओके, उसके बाद में होगा कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस ऑफ कोस थीटा होगी। उसके बाद में, क्योंकि देखो स्टूडेंट, ये क्वाड्रेंट में चला गया थर्ड में, थर्ड में आपको पता है सारे नेगेटिव, बस टेन और कोट क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट पॉजिटिव हैं, क्योंकि टेन पॉजिटिव हुआ तो कोट भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और कोस दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। उस हिसाब से क्या हुआ, कोस टेन 180 डिग्री, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हुआ, टेन थीटा हो गया। उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी के अंदर, जो भी हो, चाहे डीएसएसबी का हो, आरपीएससी हो, यूपी के अंदर हो, या फिर एलटी क्या हो, कुछ भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं हम उनको सबको सोल्व करेंगे इस बेसिस पे। पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हमारा है कोट 180 डिग्री प्लस थीटा। कोट 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। उसके बाद में है सेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? सेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक थीटा होता है। और उसके बाद में कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? माइनस सेक ऑफ सॉरी माइनस कोसेक, माइनस कोसेक थीटा होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो, हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं उसके लिए। अगर इसका एक एग्जाम्पल किया जाए तो एग्जाम्पल आपको मान लीजिए टेन 240 डिग्री का वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। टेन 240 डिग्री, टेन 240 डिग्री क्या होता है? टेन एक सौ सॉरी टेन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है? 180 प्लस 60 240, तो टेन 240, टेन 240 की डिग्री का आपको पता है 180 डिग्री प्लस थीटा। मैंने आपको बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं टेन की वैल्यू क्या होनी है? पॉजिटिव होनी है। तो यहाँ आएगा टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। ओके, उसके बाद में अगर सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं, तो जैसे आ जाए सेक 225 डिग्री, सेक 225 डिग्री की आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, कैसे लिखोगे आप? सेक 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, 180 प्लस 45 कितने होते हैं? 225 होते हैं। और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव साइन बनेगा, 180 डिग्री पर सेक का वैल्यू क्या रहेगा? सेक रहेगा। तो ये कितना हो गया? सेक 45 डिग्री, और सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √2 होती है। स्टूडेंट, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में ये आ रहा होगा। और अगर थर्ड जैसे निकालते हैं हम, तो कोस 150 डिग्री, 150 डिग्री की वैल्यू, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से क्या होगा? माइनस कोस 30 डिग्री होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू माइनस थी, माइनस कोस 30 डिग्री हो गया, और माइनस कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ओके, यहाँ से आपको समझ में आया। और उसके बाद में स्टूडेंट, हम कंटिन्यू लेक्चर को कर रहे हैं,